नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं गोल्ड स्काई। पार्लर में जाके महिलाएं करवा चौथ पर बहुत से पैसे खर्च करती हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी आप घर पर किस तरीके से इजीली तैयार हो सकती हैं और आप घर में जो आपके पास सामान होता है उसी के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बीच से मांग निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टीका पहले सेट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे से सारे बालों को हल्के हल्के हाथ से उठाएंगे। अब हम आगे से इतने पोर्शन से बालों को उठाएंगे और बम्पेट लगाएंगे। अब हम इसमें बन यूज़ करेंगे। बन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अच्छे से बालों को लेंगे और यहाँ पर एक रबड़ लगाएंगे। फिर हम बन लेंगे और इस तरीके से बन को रखेंगे बालों के बीच में और इसके आसपास हम बालों को इस तरीके से फैलाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर से हम एक रबड़ लगा देंगे। ये बहुत इजी हेयर स्टाइल है, आप घर में इसको खुद ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम साइड के इस तरीके से बालों को लेंगे और इसको हल्का सा रोटेट करते हुए इसके ऊपर लेकर जाएंगे। इसको जूड़ा पिन के साथ हम सेट कर देंगे। सेम हम इस तरफ से भी करेंगे। अब हमारा बन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गजरा यूज करेंगे। अब हम इस तरीके से गजरा लेंगे और इसके ऊपर यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से कस के हम पिंस लगाएंगे। अब हमने गजरे सेट कर दिए हैं। अब हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल्का सा फेस साफ करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर लगाने से आपका जो बेस मेकअप है वो क्रैक नहीं होता है। इस तरीके से हम हल्का हल्का पूरे फेस पर इसको अप्लाई करेंगे। दो मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे जितना ये फेस में अपना अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम हल्का हल्का फाउंडेशन फेस पर लगाएंगे। अब हम फाउंडेशन लगा चुके हैं। अब हम कंसीलर का यूज करेंगे। कंसीलर हम सबसे पहले इस तरीके से आंखों के आसपास लगाएंगे जिससे कि हमारे डार्क सर्कल जो है वो छुप जाए। हल्का सा हम इस तरफ लगाएंगे अपनी जो लाइन पर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब हमने कंसीलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बाद फेस पाउडर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम
आईब्रोज को हल्का हल्का डार्क करेंगे। आईब्रो पेंसिल लेंगे और इस तरीके से इसको फिल करेंगे, जहाँ से ये हल्का सा, जैसे जगह हमारी आगे से हल्की लाइट होती है उसको थोड़ा सा ब्राइट हम दिखाएंगे। अब ऐसा ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। अब हम आईज मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आईज में गोल्डन कलर यूज़ करेंगे। गोल्डन कलर हल्का हल्का हम इस तरफ से लगाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरे आईज पे भी पहले गोल्डन कलर अप्लाई करेंगे। अब हमने गोल्डन कलर यूज़ कर लिया है, इसके बाद मैं हल्का सा रेड कलर यूज़ करने वाली हूँ। रेड कलर हम सिर्फ इतने पोर्शन में यूज़ करेंगे। अब हमने रेड आई शेडो लगा लिया है, अब हम दूसरी आँख में भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे। अब हमने रेड आई शेडो भी अप्लाई कर लिया है, अब इसमें हम हल्का सा गोल्डन टच और देंगे। ऐसा ही सेम दूसरी आईज में भी करेंगे। अब हम मस्कारा यूज़ करेंगे। मस्कारा सिर्फ हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ यूज़ करना है। अब हम लाइनर लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी आईज में भी लगाएंगे। लाइनर हमने लगा लिया है, अब हम काजल अप्लाई करेंगे। अब हमने काजल लगा लिया है और आईज मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ब्लशर यूज़ करेंगे। अब इस तरीके से हम हल्का हल्का ब्लशर यूज़ करेंगे और इसको पूरा यहाँ तक लेकर जाएंगे। ऐसा ही सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। अब हम गोल्डन शाइनर यूज़ करेंगे। हल्का सा इसको हम ब्रश में लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, हल्का सा चिन पर लगाएंगे और नोज पर अप्लाई करेंगे। अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। अब लिपस्टिक लगा चुके हैं, अब हम बिंदी लगाएंगे। अब हमने इयररिंग्स भी पहना दिए हैं और हमारा करवा चौथ का ये मेकअप हो चुका है। आज हमने आपको करवा चौथ पर इस तरीके से मेकअप करके दिखाया है। पार्लर जाने की जगह आप भी अपने घर पर ये मेकअप ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।